दस तारीख को आप अपना विचार का प्रयोग जरूर करें और सिर्फ खुद ही नहीं अपने परिवार के लोगों को अपने घर अपना विचार का प्रयोग करें। बहुत ख़राब सिचुएशन है, 80% काम नहीं है पहले के मुकाबले। जो कोविड-19 के इफेक्ट की वजह से इतना काम डाउन हो गया है कि फॉरनर टूरिज्म है नहीं, और जो डोमेस्टिक आ रहे हैं तो उसमें भी लगभग 70% तो लेते ही नहीं है। कहीं आते अपना कोई काम है लग है या इसमें, तो जिस दिन हो जाता तो हो जाता है, नहीं तो खाली हाथ भी जाते हैं। और गवर्नमेंट की तरफ से तो कोई ऐसा हमको कुछ मिला नहीं है। लोन के लिए उन्होंने बोला, एक रिलीफ देने के लिए बोला था कि हमको 1-1 लाख रुपए मिलेगा, इतनी कोशिशें हमने जब करी थी उसके बाद में। सारी जिंदगी यही काम किया, अब आगे करेंगे भी, कि आपको रिलीफ नहीं मिली गवर्नमेंट से। सिर्फ मोदी जी तो अनाउंस करते हैं कि ये हो गया सब, लेकिन कुछ नहीं किया। पूरे 18 महीने घर में बैठे रहे, हैंड टू माउथ हो गए, भला कोई खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं। कैसे 1 लाख रुपये का लोन, 1 लाख रुपये की मदद करेंगे, कंपनसेशन देंगे, क्या दिया? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। कुछ गाइडों ने सेंक्शन कराया लोन, उनसे क्विट कर लिया बैंक वालों ने, और कहा उनके जो 1,800 रुपये 1,015 रुपये और खर्च हो गए उनके इंटरेस्ट। क्यों किया ये तो मजाक बनाया है टूरिस्ट गाइडों का इनके लिए। कैसे चले, मतलब आप लोगों का जो घर है, फैमिली है, वो कैसे चल रहे हैं? थोड़ा बहुत पीछे का जोड़ा हुआ था, थोड़ा घर वालियों ने जोड़ा हुआ था, वो सब खत्म हो गया, बाकी सब कुछ नहीं। कोई यूपी गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पे आगरा में कितने गाइड हैं? लगभग यूपी टूरिज्म के लगभग 800 गाइड हैं पूरी स्टेट में। सेंट्रल गवर्नमेंट में 381 हैं। कुछ लोग काम नहीं करते, जैसे बुजुर्ग हो गए, कुछ रिटायर हो गए, लेकिन ये लोग यूपी टूरिज्म वाले। और ये टोटल 1000 गाइड यहाँ हैं, अप्रूव्ड गाइड। टोटल 800 समथिंग गाइड हैं, लेकिन पूरे यूपी के अंदर, आगरा के अंदर समथिंग 300 वर्क करते हैं पूरे आगरा के अंदर, जिसमें फतेहपुर सीकरी, ताजमहल और आगरा फोर्ट है। कुछ कंपनी से भी काम करते हैं, कुछ मॉन्यूमेंट से काम करते हैं। यहाँ पर जो लाइसेंस गाइड है वो समथिंग DOT यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की तरफ से 10-20 गाइड है यहाँ पर जो वर्क करते हैं मॉन्यूमेंट पे। तो अभी का सिचुएशन क्या है? देखिए, अभी का सिचुएशन तो आप देख ही रहे हैं, टूरिज्म तो है नहीं, बिल्कुल भी टूरिस्ट नहीं है। और टूरिस्ट की जो रिक्वायरमेंट है हमें, वो ये है कि वो एज ए टूर गाइड हमें हायर करे, तो ऐसा टूरिस्ट तो है नहीं। तो अभी तो हालात बस से बदतर है। सर, ये जो आपने लोन का इशू बताया है कि लोन किसी 4-5 को मिले थे पर वो बैंक ने रिट्रीट कर दी, इसके बारे में हमें थोड़ा बताइए। देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ही एक रिलीफ हुआ था कि 1 लाख रुपये जो लाइसेंस होल्डर गाइड हैं उनको दिए जाएंगे, रिलीफ के तौर पे थे या इंटरेस्ट के तौर पे थे, ज़्यादा इसके बारे में मुझे नहीं मालूम है। लेकिन हमें ये उम्मीद हुई थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट हमें 1 लाख रुपये दे रही है, हो सकता है कि हमारे घर के जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाए, क्योंकि हम जो गाइड हैं दुनिया को घुमाते हैं। तो हमें कम से कम ये तो एहसास तो हुआ कि आने वाले दिनों में अगर हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे तो ही सर्वाइव कर सकेंगे अपनी ज़िंदगी के अंदर। तो अच्छे स्कूलों में बच्चे पढ़ रहे हैं हमारे, लेकिन 2 साल से जो है एकदम से मामला बिल्कुल शांत हो गया, तो फीस भी नहीं भर पाए हम उनकी। सर, आप 4-5 लोगों की जो बात कर रहे थे उसके बाद बताइए। 4-5 लोगों की जिनको लोन मिला था, वो लोन तो गवर्नमेंट ने, बैंकों ने वापस ले लिया। अब इसके बारे में अगर आप बात करें हमारे प्रेसिडेंट से,
तो ज्यादा आपको मिल सकती है। छत्रपतींचा विचार म्हणजे